करा के मैं ना पति का कष्ट मिटाए
इधर दे दो, इधर दे दो, चलिए माता जी के पावन चरणों में वंदना भी करते हुए करते हैं। चंदा लगा बड़ी शांति नाथ भगवान की। बड़ी हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सभी विश्व शांति की भावना करते हुए इस अवसर पर संधारा संपन्न कर रहे हैं। जगत के सभी जीव सुखी हों, निरोगी हों, सबका कल्याण हो, सबकी समृद्धि हो, सब अपना कल्याण करें, हम भी अपना कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना से नमोस्तु भगवान। रवि भैया, ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं मं हं सं तं पं भं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं ह्रीं ह्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै मुहूर्ते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मम पापं खण्डय खण्डय जय 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 पच पच पचय पचय ॐ नमो अर्हं झं झीं ह्रीं हं षं झं बं फा पः क्षं क्षीं शूं शीं शैं शूं शं शं शा क्षीं रं ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रों ह्रौं ह्रं ह्रम द्रां द्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ शान्ति धाराकर्ता श्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सुदेश कुमार जी, यश कुमार जी, सागर सर परिवार से, दबक्कर नाथुराम जी, सुन कुमार जी सर परिवार से, अनाकेश कुमार, पवन कुमार, दबक्कर प्रेमचंद, दबक्कर सीताचंदी, श्रेयांश कुमार, सुमन जी, संजीव बंडा, अनुजा, अरुण मोदी, कोरई, रेचुपतरिया, सस्ता बेतम, राकेश कुमार जी बंडा, आरू जैन, स्वरूप रूपचंद जी, रीता सागर, माल मालती अरुण कुमार जी, सागर सर परिवार से, समस्त पातिगणा स्वतंत्र किसान संत माया कोई एक नायक महायज्ञायक श्रीपाल भरत बाहुबली आदि समस्त पातिगणा समस्त नानी परिवार से, देश से, राष्ट्र से, चतुर संघ से, आचार्य गुरु श्री सगमस संघ से, आरिका मंगल संघ से, ते सर्वेषां सर्व जीवनाम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं शान्तिधारकर्ता कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् अर्ह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। शान्तिधारकर्ता श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य सर्व वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य स्पर्शस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंताश्चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवत्यः सर्वज्ञाः परम मंगलनामधेया शांति धारकर्ता यह मंत्र चे सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारी से यह मंत्र चे सिद्धि प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय जगत्तेजोमूर्ते प्रभामंडल पंडिताय द्वादश गुण सहितानंद चतुष्टय सहिताय शंभु शरण केवल्य लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखस्पदाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अमवाय शांति धारा कर्ता श्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सुदेश कुमार जी, यश कुमार जी, सागर प्रतिनिधि कुमार जी सरबरवाल से, नवगर नाथुराम जी सुन कुमार जी सरबरवाल से, राकेश महिला, राकेश कुमार, भवन कुमार, दबगर दीन प्रेमचंद, दबगर सीताचंद जी, श्रेयांश कुमार जी, संदीप कुमार जी, सुमन, संजीव बंडा, अनुजा, अरुण मोदी, खोरई, रेचुपतरिया, शास्त्रा वैतन, राकेश कुमार जी बंडा, आरू जैन, रूपचंद जी, रीता सागर, मालती जैन सागर सर परिवार से, समस्त पातगणा इन इंद्राणी सर परिवार से, समस्त देश से, राष्ट्र से, चतुर्वेद संघ से, आचार्य गुरु विद्या सगम संघ से, आरिका मंगल मत संघ से, समस्त त्यागी व्यक्ति गण के सर परिवार से, समस्त देश से, राष्ट्र से, सर्व जीवानां व्याधि घनंतु व्याधि घनंतु व्याधि घनंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद शांति धारा कर्ता सेविका नाम सर्व दोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रति भगवती प्रक्षीणासी दोष कल्मषाय देव तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पर छिद पद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रम ह्रीं ह्रूं ह्रम ह्रां श्री अंशा नमः मम सर्वघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा।
मम कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्व क्षरगम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चंद्र दुष्ट भयम सर्व शर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधिम नामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व शूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम कोरोना रोगम च सर्व नरमारी सर्व गजास गोमहि सजमारी सर्व शस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारी सर्व राष्ट्र मारी सर्व क्रूर भूतान साकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्व पश्मारी शांति धारा करता श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सुरेश कुमार से यश कुमार सागर प्रतिनिधि इस कुमार सर परिवार से अथवा नासुरानी सुरेश कुमार जी सन्दन सर परिवार से महिरिया राकेश कुमार पवन कुमार दबकर प्रेमचंद दबकर शीतल जी श्रीनाथ कुमार जी सर परिवार से सुमन संजीव बंडा अनुजा अरुणा मोदी कुरे देशभद्रिया स्वास्थ्य वर्धन राकेश कुमार जी बंडा आरुजन दीप रूपचंद जीता सागर मातृजन सागर सर परिवार से समस्त नाणी पात्रगण स्वतंत्र ईशान शांत माय कुबेर एक विनायक माय विनायक श्रीपद भरत बाहुबली आदि समस्त पात्रगण ध्वज आरोहण करते सर परिवार से समस्त नाणी सर परिवार से समस्त देश से राष्ट्र से चतुर्वेद संघ से आचार्य पर्व विश्वविद्यालय सर संघ से आदि कम मंगल संघ से समस्त एक व्यक्ति गण के सर परिवार से समस्त जीवाना अशुभ कर्म जनित दुखानी अशुभ कर्म जनित दुखानी अशुभ कर्म जनित दुखानी दृष्टि जन कृतान मत तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोष सर्वदुष्ट देवदानो भीम नर नहर सिंह योगिनी कृत दूषण सर्वाष्ट कुली नाग जनक विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दूषण पर शत्रु कृत मारण उच्चाटन विदेशन मोहन वशीकरणाधि कृत दूषण ओम भीम स्व भीम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर के सर्वानंदनम सहाय सुखम त्रिशिलोकेषु व्याधि विषद वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शुभमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु शांति धारा कर्ता तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य सर्व अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं प्रभु सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं प्रभु सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं प्रभु सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं ॐ सर्व शांति गुरु गुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं ॐ सर्व शांति गुरु गुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं ॐ सर्व शांति गुरु गुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं ॐ सर्व शांति गुरु गुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं ॐ सर्व शांति गुरु गुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौषाण विद्याय नमो हिंताणं ॐ सर्व शांति गुरु गुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल से फलदार्घ्यतासन अल्पम धीरम वीरम गंभीरम निरुपमम नयता तनुद्वच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिनतु तरणी स्फुरदच्छहि प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरति जगतामुक्तिमाशान्तिधारा इति अनेन मन्त्रेण नवग्रह शान्त्यर्थं गन्धर्वधारावर्षिणो सम्पूज्यकानां प्रतिपालितानां Mm-hmm.
काशीनाथ भगवान की चिच्चक महामंडल विधान की चलिए छत्र बनाएंगे। अरे भक्त जन आए हाथों में छत्र लाए, भक्त जन चढ़ाएंगे बाबा को बराते, जिन मंदिर में चढ़ाएंगे भावों से बढ़ा के, जिन मंदिर में छत्र त्रयंब विभाग शशांक कांत मुझे भक्त जन आए हाथों में चावल लाए, भक्त जन आए हाथों में चावल लाए, दौड़ाएंगे बाबा को बरा के, जिन मंदिर में दौड़ाएंगे बाबा से बरा के, जिन मंदिर में कुताव दत जन चावर चार शोभम विराजत तब बपोगन थोत कांतम उत्तच शांत सुच चलिए आरती देते हैं, आरती करेंगे जो लोग कलशनी के कलश करेंगे। बड़ी दिन की बाबा विराज, बाबा विराज बड़े बाबा विराज, झूम झूम के घूम घूम के, झूम झूम के आज घूम घूम के, भक्त ही कराए यार प्रभु जी की झूम झूम के। शुभ घड़ी आई मंगल घड़ी आई, झूम झूम के घूम घूम के, झूम झूम के आज घूम घूम के, प्रभु जी की झूम झूम के। सागर जी का आशीष पाया, गुणमती माता का साथ पाया, गुणमती माता जी का साथ पाया, कैसे पाया, झूम झूम के घूम घूम के, झूम झूम के आज घूम घूम के, भक्त कराए यहाँ प्रभु जी की झूम झूम के, भक्त कराए यहाँ प्रभु जी की झूम झूम के। सुमरण करत मिटत भव मेरे, तीसरी आदत सोने मुनीता, जन्म मरण दुख दूर करेता, चौथी आरती श्री को मचाया, दर्शन से पत पाप पलाया, पांचवी आरत जागत हारे, गुमत विनाशन शिव जग गारे, संशय करके आरत कीजे, अपनों जन्म सफल कर, झूम झूम के घूम घूम के, झूम झूम के आज घूम घूम के, भक्ति कराए यहाँ प्रभु जी की झूम झूम के, भक्ति कराए यहाँ प्रभु जी की झूम झूम के। बोले पंचवर में श्री भगवान की
लीजिए पानी। भगवान को विराजमान करेंगे। प्रभु जी तेरे का दर्श में करागा, दर्श कर में प्रभु जी तेरे दर्श में कराता, दर्श कर में कर जावा, ओ दर्श कर में कर जावा। सबसे बुजुर्ग कौन है? सबसे बुजुर्ग आ जाओ, भगवान विराजमान करो, जो सबसे बुजुर्ग है। तुम मुख तेरा देख चिन्ह पर चांद शर माया, दर्श तेरा करके प्रथम बड़े छोटा, कर मुझा चतुष्ट के धनी तुम ही हो सीता, मुक्ति बनों के गर्त तुम तीन भुवन के रार, देव जग की पीड़ा हर भव तन शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख करता। निज गुणरास धर्मामृत और चला दिसो ज्ञान भान तुम रूप, तुमने चरण सरोज को दावत के भुजग हो, ते पर दो जिन देव को अर्थत निर्मल था, पर मैं बैठ गए छेद ने और न कछु पा, भव जन को भव कूप दे तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार, चिदानंद निर्मल कियो होए करम रज में, सरल करिया जगत में हम जन को शिव गे। सारी लोग ते मारी हटा लोग ते मा सिद्धा लोग ते मा साहो लोग ते मा की बली पना तो धमो धोब ते मो तारे शरणम अरे हंते शरणम सिद्धे शरणम साहो शरणम केवले पन्नतम धमम शरणम प्रबजने नमो कारे में सारा जीवन बना लो स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुति स्वस्ति स्वस्ति श्री परम प्रभु श्री सुपाषण स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान खाली भट्ट चाय भक्ति की रुते आई 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 प्रभु तेरी आई तुम्हें ढूंढे छुपा
श्याम प्रकम्बा देवते मिलो मैं स्मरण मन पद अशोते बोधा होते वाला लगारा तत्पर्शनम संश्रवणम चतुरम नास्वान नक्राणि विलोके नाही ज्ञान ठंडी हवा छाई काली घटा छाई भक्ति की गुप्ति आई 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 प्रभु तेरी याद आई काली घटा छाई भक्ति की गुप्ति आई 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 प्रभु भी आपके चारों तरफ के एरिया में ओले पड़ रहे हैं, बड़ा सुरक्षित है। ये भक्ति का खिताब है, ये तो सही है। इस समय पूरी फसल खड़ी हुई है। अरे गुंडलपुर को जाएंगे बड़े बाबा को ध्याएंगे अरे गुंडलपुर को जाएंगे बड़े बाबा को ध्याएंगे बड़े बाबा को ध्याएंगे गुंडलपुर को जाएंगे बड़े बाबा को ध्याएंगे गुंडलपुर को जाएंगे गुंडलपुर को जाएंगे बड़े बाबा को ध्याएंगे गुंडलपुर को जाएंगे कौन चलो भाई तीर चले हम और चलो भाई तीर चले हम और तुम हो चलो भाई तीर चले हम और तुम अष्टम अवन गमो श्री चंद्रनाथ दुति चरण चरण निचरण लगे मनि वचित निज जति अमर आत्म ज्योति जगे चंद्र भगवान हरि करुणा धारी याते थाए सब चंद्रे सम हरि हरि चल कृष्ण हे गुण केशव राम देख और सिद्ध चक्र यंत्र अत्र जिन माँ बाप बोले नहीं जन्म दिया फिर मरण तो शामिल हो कमल पर बुला रहे जो मुक्ति वधु पाही तुमने वो पाने तुमको मना रहे द्वादश अधिक पंच सद्गुणी सिद्ध चक्र यंत्र सिद्ध चक्र अत्र अवतर अवतर संभोषण की आह्वान अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापन अत्र मम संगीत भव भव सर सन्नधि करण कुबेर जी पुष्प ले उर्ध सुहावे जावसे उर्ध लोग के धाम आए आए हमें सब ले I'm not afraid.
नमो और तरंगे नमो सभी इंद्र इंद्राणी है सब नमो ओ मंगे नमो और तरंगे नमो ओ मंगे नमो और तरंगे नमो सभी इंद्र इंद्राणी मन लेके आया सिद्ध प्रभु के शरण में ओ मन लेके आया सिद्ध प्रभु के शरण में स्वागत करेगी बिराजी अपने स्थान ग्रहण करें चलिएगा आज की अर्घावली प्रारंभ करेंगे उससे पूर्व हम चले माता जी के पावन चरणों में उनकी आशीर्वचन वचन को प्राप्त करेंगे उनकी देशना को सुनेंगे मन जिनवाणी का श्रवण करेंगे आइए मन जिनवाणी की आराधना करें माता जी के प्रवचन प्रारंभ हो उससे पूर्व नमः सिद्धिया मंत्र नाम का हमें प्राणों से प्यार मंत्र नाम का हमें प्राणों से प्यार ये है वो जहां ओ ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा मंत्र नाम का हमें प्राणों से प्यार मंत्र नाम का हमें प्राणों से प्यार अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के सिद्ध चक्र महामंडल विधाने के अर्कमा गुणमती माता जी की इंद्रिय अर्का संघ की जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की छेदी से तरस कर षडोल शंकर का रूप दिया है ऐसे संबोध धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो नमन हो नमन हो कहा है किसी ने कि जो रात गई सो रात गई वह रात न वापस आती है जो बात गई सो बात गई वह बात न वापस आती है जो प्रात गई सो प्रात गई और प्रात न वापस आती है दुल्हन को लेके बारात चली बारात न वापस बंधो मनुष्य जी रहा है पर उसे पता ही नहीं है कि वह क्यों जी रहा है मनुष्य जिंदा है मगर उसे ये पता नहीं है कि जिंदा क्यों है और बहुत से लोग तो दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें अभी ये भी एहसास नहीं होता कि अभी जिंदा है उन्हें जिंदा होने का एहसास तब होता है जब वो मरने लगते हैं जब उनकी श्वासें छिनने लगती हैं जब उनकी श्वासें थमने लगती हैं जब मौत आकर उन पर आक्रमण करती है तब उन्हें एहसास होता है कि अभी तक हम जिंदा थे ये हमारे स्वयं के साथ किया जाने वाला एक गहरा मजाक है
जिससे फिर वह व्यक्ति जिंदगी के अंतिम क्षणों में रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मगर तब तक हाथ से समय ही जा चुका होता है। मैंने पढ़ा कि रोते रोते जन्म लेना ये तो प्रकृति का नियम है। दुनिया के बड़े से बड़े बुद्ध पुरुष, प्रज्ञा पुरुष, महापुरुष जन्मे तो रोते रोते जन्मे, मगर जिए तो हंसते हंसते जिए और मरे तो हंसते हंसते मरे। यही कारण है कि उनका जन्म जयंती बन गया, जीवन दशहरा बन गया और मरण दीपावली बन गई। हम जीवन में क्यों जी रहे हैं आज हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम रोते रोते जन्मते हैं, रोते रोते जीते हैं और रोते रोते ही मर जाते हैं। ये जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्घटना हमारे साथ घटित होती है। एक संत ने एक युवक से पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा पढ़ता हूं। संत ने पूछा पढ़ते क्यों हो? तो कहने लगा पास होने के लिए। संत ने पूछा पास क्यों होना चाहते हो? तो कहने लगा नौकरी करने के लिए। संत ने पूछा नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा खाने के लिए। संत ने अंतिम बार पूछा खाना क्यों चाहते हो? तो कहने लगा जीने के लिए। संत ने पूछा जीना क्यों चाहते हो? तो कहने लगा ये तो पता ही नहीं है। आदमी जी रहा है पर उसे पता नहीं है कि वह जी क्यों रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं जियो तो पवित्र उद्देश्य बना करके जियो, जियो तो अपनी जीवन की मंजिल तय करके सफर शुरू करो, तभी जीवन के कुछ मायने है। अभी तो आपकी स्थिति ऐसी है कि तुम सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हो गए, बुधवार को शादी विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हो गए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को अस्पताल में भर्ती हो गए और रविवार को चल बसे। इस प्रकार से हमारा एक जीवन तो यूं ही अकारण ही चला गया। हमने हीरा जैसा जीवन कौड़ियों के मोल समाप्त कर दिया। इसलिए संत कहते हैं अपने जीवन में दूसरों का उपकार करके जियो, परोपकार करके जियो, श्रीवत् श्रुषा करके लिए करने के लिए जियो, तब जीवन के कुछ मायने हैं। आप लोग तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं परस्परोपक्रहो जीवाना, जीव जीव पर उपकार करता है, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करता है। लेकिन आज हम अपना जीवन ऐसा जी रहे हैं जैसे बिल्कुल बुझे बुझे से, मरे मरे से हमारा जीवन हो रहा है। हमारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह हो रही है। कोलू का बैल चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। कोलू का बैल सारे दिन चलता है, सुबह से चलना प्रारंभ कर देता है और वह सोचता है कि अब तो शायद हमारी मंजिल निकट आ गई होगी। लेकिन उसके आंख से जब पट्टी खोलते हैं तो वह देखता है कि जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की थी हम तो वही हैं, उसी स्थान पर है। उसी प्रकार से आपने जिस स्थान पर जन्म लिया और वहीं मरण को भी प्राप्त हो गए तो आप चले कहां?
और चले भी तो पहुंचे कहां, और पहुंचे भी तो पाया क्या। शेर जिस गुफा में जन्म लेता है उस गुफा में मरण को प्राप्त नहीं होता। उसी तरह ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानी अपने जीवन को विभाजित करके जीते हैं। गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, इस प्रकार से जीवन को विभाजित करके जीते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि हम अपने जीवन का कुछ लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं, हम अपने जीवन का कुछ उद्देश्य ही तय नहीं करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क करते हुए आचार्य श्री ने बताया, ज्ञानी वो होता है जो खड़े खड़े अपने घर से निकल जाता है, और अज्ञानी वो होता है जो पड़े पड़े घर से निकलता है। चार जन मिलकर जब निकालते हैं तब निकलता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क हुआ करता है। इसलिए बलिहो, तुम्हारे लिए इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना अच्छा जीवन मिला है, इस जीवन में हम कुछ ऐसे नेक काम कर ले जिसके माध्यम से हमारी सद्गति में कारण हो। ये हमारे अच्छे काम, ये हमारे अच्छे भाव हमारी ही सद्गति में कारण बनते हैं। आपके मरने के बाद आपका बेटा आपके नाम से बहुत सारा दान भी कर दे, बहुत बड़ा अनुष्ठान भी करवा दे, बहुत बड़ी धर्मशाला भी बनवा दे, तो भी वह आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपके अपने भाव नहीं लगे हैं। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ ऐसे परोपकार करके जिए जिसके माध्यम से हमारे लिए अगले भाव में वह कारण बने। आज तो मनुष्य की स्थिति ऐसी है, मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि गर्मी का समय था, एक व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते से, उसे जोरों की प्यास लगी हुई थी। उसने जंगल में देखा आसपास, एक उसे कुआं दिखाई दिया, कुएं के पास गया तो वहां पर रस्सी बाल्टी भी रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी बाल्टी उठाई, उसे मन में आया विचार कि अपने हाथ से पानी कैसे निकाले। अपने हाथ से पानी निकालना प्रतिष्ठा के खिलाफ है, क्योंकि मैं नवाब ज्यादा हूं और नवाब ज्यादा होकर मैं अपने हाथ से पानी निकालूं, ये तो शोभा नहीं देगा। तो वही कुएं पर बैठ गया प्रतीक्षा करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की, और वहां से एक व्यक्ति और निकला, वह भी बहुत प्यासा था, उसे जोरों से प्यास लगी हुई थी। उसने कहा कि भाई मुझे जरा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो अपने हाथ से पानी नहीं निकाल सकता हूं, हो सके तो तुम पानी निकालो और स्वयं पियो और मुझे पिलाओ। उसने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं निकाल सकते। उसने कहा मैं नवाब ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी नहीं निकाल सकता। तो उसने कहा जब तुम नवाब ज्यादे हो तो मैं भी शहजादा हूं, मैं भी अपने हाथ से पानी नहीं निकाल सकता हूं। तो वो भी कुएं पर बैठ गया, दोनों ही बैठे हैं प्यासे किसी तीसरे की प्रतीक्षा में। तीसरा व्यक्ति भी वहां से निकला और वो भी प्यासा ही था। उसने इधर उधर देखा तो सामने कुआं दिखाई दिया और दो व्यक्ति बैठे दिखाई दिए। जाते से ही उसने प्रवचन करना शुरू किया, अरे भाई क्या कर रहे हो बैठे बैठे, जल्दी से पानी तो निकाल करके पिलाओ, मैं मरा जा रहा हूँ। दूसरों को पानी पिलाना, दूसरे के लिए उपकार करना बड़े ही पुण्य धर्म का काम होता है, मुझे जल्दी से पानी पिलाओ। उन दोनों ने कहा सुनो, ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, पानी स्वयं निकालो, मुझे पिलाओ और तुम स्वयं पियो। उन्होंने कहा मतलब, उन्होंने कहा हम लोग भी प्यासे ही तो बैठे हैं। तो उसने पूछा तुम प्यासे क्यों बैठे हो, कुआ पास में तुम प्यासे क्यों बैठे हो। तो एक ने कहा कि मैं नवाब ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी नहीं निकाल सकता।
दूसरे ने कहा मैं भी शहजादा हूँ इसलिए मैं अपने हाथ से पानी नहीं निकाल सकता हूँ। तीसरे ने कहा जब तुम नवाब जादे हो और तुम शहजादे हो तो मैं अमीर ज्यादा हूँ, मैं भी अपने हाथ से पानी नहीं निकालूंगा। तीसरे तीनों ही बैठे हैं प्यासे किसी की अपेक्षा करते हुए। और एक व्यक्ति फिर वहां से निकला, बहुत प्यासा था और प्यासा था, देखा सामने कुआ है, कुएं में पानी है, रस्सी बाल्टी है, उसने बाल्टी उठाई और कुएं में डाली और पानी निकाला और पीने लगा। जैसे ही पानी पीने लगा तो तीनों चिल्लाए, अरे भाई तुम क्या करते हो, हम लोगों को भी तो पानी पिलाओ। उसने कहा मतलब यह है कि हम तीनों भी तो प्यासे बैठे हैं। तो उसने पूछा आप प्यासे क्यों बैठे हैं, कुआ पास में है, कुएं में पानी है, रस्सी बाल्टी है, फिर आप लोगों ने पानी निकाल कर के क्यों नहीं पिया। तो कहने लगे इस बात को तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो हम लोगों को पानी पिलाओ। उसने कहा नहीं मैं पानी बाद में पिलाऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने पानी निकाल करके क्यों नहीं पिया। तो उन लोगों ने कहा बात ऐसी है, मैं नवाब जादा हूँ, अपने हाथ से पानी निकालना मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। दूसरे ने कहा मैं शहजादा हूँ, अपने हाथ से पानी निकालना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तीसरे ने कहा मैं अमीर जादा हूँ, मैं भी अपने हाथ से पानी निकाल कर नहीं पी सकता हूँ। तब चौथे व्यक्ति ने कहा तुम नवाब जादे हो, तुम शहजादे हो और तुम अमीर जादे हो, तो मैं भी हराम जादा हूँ, मैं पीना तो जानता हूँ पिलाना नहीं जानता हूँ। उसने तो पानी पिया और चलता बना और भी वैसे ही प्यासे की प्यासे बैठे गए। तो बंधु वास्तव में ऐसी कहानी कहीं हमारी जिंदगी के साथ ना हो, हम दूसरों से अपेक्षा रख करके अपने जीवन को ऐसे ही अकारण ही समाप्त कर दें। समय अपना हो रहा है, आज 512 अर्घ चढ़ना है, इसलिए मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी एक दो और किसी की भावना आज की इस विधान के अतिथियों का सम्मान संपन्न हो गया। संत निवास के लिए स्वामी हो सिद्ध बने आहा।
अरहंत हुए परमात्म सिद्ध बने आहा स्वामी हो गए जगत भोजगुणी है सिद्ध जना आहा गड़बड़ लग गई शायद गड़बड़ लग गई स्त्रियां खुश हो गई तो स्त्रियां खुश हो गई फिर है ना स्त्रियां खुश हो गई कैसे हाँ एक काय को भागने हैं द्रव्य के साथ में पानी का छन्ना भी लेके आए हैं कलावे भी लेके आए हैं और त्रि समय सिद्ध द्रव्य अर्घ्य नमः में दें और तीन काल से लक्ष्म धारे सिद्ध जिना आहा उद्रे का सिद्ध द्रव्य अर्घ्य नमः में दें शरण चाव है सिद्ध जिना आहा और तीन काल में शरण विदाई सिद्ध जिना आहा पूरे मन से बोला नहीं था
दरवाजे पर हमने चौक फुराया, हर घर के आगे दरवाजे पर हमने चौक फुराया, आज अतरो अतरो किष्टो किष्टो कहकर तुम्हें बुलाया, आज अतरो अतरो किष्टो किष्टो कहकर तुम्हें बुलाया, आओ आओ जी अरे आओ आओ जी अरे विद्या सागर लला वाणी के बल से छरा के आगे के अरगाम के लिए चलते हैं। साधु ब्रह्म परम ब्रह्मों से तगड़े अरगने भवे थे। साधु ने ना कुल दस धर्मी हो सिद्ध मने आहा। ओम ने भर। देखो पार अरग बचे हैं, अच्छे से बोलो। ओम अरम तीन रहे। सर्व साधुओं को नमो जो सिद्ध मने आहा बोलो। ओम ने भर हम। एक एक जोड़े एक एक श्रीमत लाते जाओ, एक एक जोड़े साधु आश्रम अर्घन पवे थे। भक्तों निर्मल करने वाले बंद तजे चके, कर्म सर्ग ने सर्ग करे हम विजय हृदय के, सर्व साधुओं को नमो जो सिद्ध बने आहा। उन अरम साधु बंदु सिद्ध कर अर्घन पवे थे। सृष्टि खंड के अंधे से चक्र ऐसे है अदिश है जिन्हें शमाने, ओ तीन लंग तीन काले ये अजीब जन्देव है, अदिश सिद्ध चक्र है यकीन माने, किंतु सिद्ध चक्र के अदिश शेष हो न कोई, हो न मुक्त कीजिए पिता प्रभु पितानी, पर में श्री भगवान पंच परम परमात्मा हो नमस्त मोने नाम। चलिए माला करने के लिए आएंगे। अरे चलो लाला जब तो माला तेरी प्यारी प्यारी मूरत को मैं हर पल बिहारा करूं मेरी जिंदगी। ओम 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 रम 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 अग्नि स्थापनम करो मेति परम सिया उसनमा। ओम रे मरम सिया उसनमा। ओम रे मरम सिया उसनमा। ओम री मरम सिया उसा नमः। 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 ओम री मरम सिया उसा नमः।
ओम रे मरमसी औ सनमा ओम रे मरमसी औ सनमा ओम रे मरमसी औ सनमा ओम रे मरमसी औ सनमा। अब कुछ जो शेष है वो विधान पूरा होते होते दे देंगे, कल विधान पूरा हो जाएगा। आपको याद दिला रहा हूँ आपके वायदे का, है ना, आपकी प्रॉमिस का, कल विधान पूरा हो जाएगा। इसलिए जिनकी जो भी राशियां बची हैं कल अमन जरूर जमा कर दें। बहुत बड़ी बड़ी राशि नहीं है, छोटी छोटी राशियां हैं, इसलिए कल वो जमा कर देंगे। और कल विधान की अंतिम पूजन होगी, 10-24 अर्घ चढ़ेंगे, उसके बाद हवन होगा और उसके बाद विमान जी शोभा यात्रा निकलेगी। ये कल का पूरा कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद समोषण का यहाँ से विहार होगा, ठीक है ना। कल सभी लोग, कल विधान की आठवीं पूजा भी होगी, साथ में पूरे विधान की अभी तो रोज की अनंत प्राप्त जय माला पूर्णार्घम निरुपामी ते। जो कर्मी चक्र विनाश करके चाहते सुतात्मा वो सिद्ध चक्र विधान करके चक्र विधान करके पूजते सिद्धात्मा जो काम का भैरव दुख का सिद्ध सब कुछ हो सुव्रत कभी विद्यार्थ है तो सभी विद्यार्थ है तू मांगते तुमसे तुम्हें मेरे गुरुवर विद्या सागर पुष्पांजलि। पुस्तक बंद करने से पहले आज दोपहर में, आज दोपहर में बहुत सुंदर प्रोग्राम है, सभी लोग भोजन पानी करके पुनः शीघ्रता से पधारेंगे 2:30 बजे से यहाँ पर। बहुत सुंदर प्रोग्राम माता जी के द्वारा लिखी हुई कुल्लमपुर के बड़े बाबा की गौरव गाथा आज यहाँ पर प्रस्तुत होगी, इसलिए सभी लोग दोपहर में महा प्रोग्राम को देखने आए और माता जी के प्रवचन का लाभ लेंगे। आपके बीच में तक वसुदिन में नहीं रहा कुष्ठ की चिंता
सात शतक की पाया स्वर्ण समानी तब पायो में नारायण। फिर शेत चक्र का पाठ करो दिन आठ पाठ से कानी फल पायो में नारायण। भोगी भोगी योगी शिवाय श्री बाल कर महन मोक्ष गए तो दे हम में न पावे शिव रज धानी फल पायो में नारानी। श्री शिव चक्र का पाठ करो दिन आठ पाठ से कानी फल पायो में नारानी। जो पाठ करे मन वचन से वे छूट जाए भव वरदन से मन मत करो विकल्प कहे जिनवाणी फल पायो में नारानी। श्री शेत चक्र का पाठ करो दिन आठ पाठ से कानी फल पायो में नारानी। श्री शेत चक्र का पाठ करो दिन आठ पाठ से कानी फल पायो।